Hello my dear students good morning to all today's date is 30th January 2022 subject english grammar class 4 chapter 1 my dear students today we're reading the chapter sentences okay so let's read about sentences a sentence is a group of words that makes complete sense there are four kinds of sentences वाट इज सेंटेंस अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस सेंटेंस क्या है सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप है ओके जब इन सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो वो क्या बनाता है एक सेंटेंस बनाता है जिससे उस सेंटेंस का मतलब हमें समझ में आए कंप्लीट सेंस अगर वो सेंटेंस बनाता है तभी उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं ठीक है हमेशा याद से रखिएगा सेंटेंस क्या है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है ओके okay? जिसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं देर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंस चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं वाट आर काइंड ऑफ सेंटेंसिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्लावर्स अराउंड द स्कूल अब डिग्रेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं जो सेंटेंस स्टेटमेंट को बनाता है उसे हम लोग डिग्रेटिव सेंटेंस बोलते हैं और डिग्रेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के द्वारा ही एंड होता है ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए देर आर फ्लावर्स अराउंड द स्कूल यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका मतलब हो रहा है कि स्कूल के आसपास पास क्या फूल है फ्लावर्स है तो ये डिक्लेयर किया जा रहा है राइट जो स्टेटमेंट जो सेंटेंस स्टेटमेंट को बनाता है उसे हम लोग डिग्लेटिव सेंटेंस बोलते हैं अब देखिए इंट्रोगेटिव इन, सेंटेंस अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक सॉन्ग्स अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बुलाता है जो सेंटेंस क्या बनाता है या फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछता है राइट right? जो सेंटेंस हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं या फिर क्वेश्चन आस्क करते हैं पूछते हैं उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और हमेशा से इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के द्वारा ही एंड होता है राइट लाइक डू यू लाइक सॉन्ग्स क्वेश्चन मार्क गॉट इट नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कॉमांड अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेटिव सेंटेंस इट एंड फुल स्टॉप यहाँ पर बोला गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है अ सेंटेंस जो आपका कॉमांड रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस को एक्सप्रेस करता है उससे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं और वो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसके द्वारा एंड होता है फुल स्टॉप के द्वारा एंड होता है फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये क्या कमांड है राइट right? हम आप ऑर्डर दे रहे हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर रिक्वेस्ट प्लीज़ कीप क्वाइट हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शांत रहे प्लीज़ कीप क्वाइट और एडवाइस यू शुड डू एक्सरसाइज डेली आप अपने एक्सरसाइज को हर दिन करें एडवाइस तो देखिए जिस सेंटेंस आपका कमांड रिक्वेस्ट या एडवाइस को एक्सप्रेस कर रहा है या कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट को बता रहा है जिस सेंटेंस में उसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं ठीक है नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है देखिए अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और सम अदर स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क ओके एक्सक्मेटरी सेंटेंस किसे बोलते हैं जो सेंटेंस हमें एक्साइटमेंट या किसी और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सप्लेशन मार्क के द्वारा ही एंड होता है जैसे देखिए व्हाट इज व्हाट अ डर्टी प्लेस इट इज यहाँ पे बोल रहा है ये क्या गंदा जगह है ब्रावो यू प्लेड वंडरफुल तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स को हम लोग एक्साइटमेंट या फिर कुछ अपना स्ट्रांग फीलिंग दिखाने के लिए हम लोग जो सेंटेंस में के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसे हम लोग क्या में लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओके okay? और हमें से सेंटेंस एक्सप्लेनेशन मार्क के द्वारा एंड होता है तो आई वॉन्ट यू टू रीड दिस वर्ड सेंटेंस एट होम सेंटेंस क्या है और हाउ मेनी ने ऑफ सेंटेंसेस एंड अबाउट देर वर्ड्स एंड डिफिनेशन आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एट होम लर्न इट बाई हार्ट थैंक यू